वगैरह जा रहे थे बनाने, तो तकरीबन 3-4 बजे मोटरसाइकिल से गए थे, गिर गए चक्कर आने की वजह से, गर्मी की वजह से, सर में छोटा भी ब्रेकर की वजह से चक्कर आने की वजह से दस्त आया। तो एक दूसरे चलने वाले ने उनको देखा, तो उन्होंने उनकी जेब में तलाशी ली, तो उनके जेब में डायरी निकली, तो उसमें नंबर वगैरह थे, तो हमको खबर मिली। हमने फिर हमारे चाचा बाबा जो रहते हैं हल्दा में, हम यहीं रहते हैं साल भर शाहजहाँनगर में, तो वो उनको मतलब वहाँ मतलब आ गए हमारे घर वाले, तो उनको वहाँ हल्दा में ले गए जिला अस्पताल में, वहाँ से फिर वहाँ से लिखा पढ़ी करके मतलब बोले कि हम केस नहीं संभाल पाएंगे सीरियस है, तो वहाँ पे केस ज़्यादा सीरियस था, तो उन्होंने इंदौर हो नहीं पाएगा, आप भोपाल ही इंदौर ले आओ। तो हमने फोन लगा बोले कि हम यहीं रहते सब भाई में, पापा भी यहीं रहते, मतलब इधर बनाने गए थे, तो सब इधर लिया। अब इधर लेके आए तो डायरेक्ट इम्बाई आए, डायरेक्ट इम्बाई आ गए, इम्बाई तकरीबन 6:30 बजे बेन चली वहाँ से एम्बुलेंस, और शाम को 10:30-11 के लगभग इम्बाई आ गए। इम्बाई आए तो अंदर गए हम, जैसे ही सद्दाम भाई नाम के यहाँ पे, तो उन्होंने हमको बोला कि क्या बात है सद्दाम भाई, वो मतलब बिल्डर हैं जो अच्छा यहाँ पे वो चलाते हैं, एम्बुलेंस वगैरह जो है उनके सुनने वाले कि यार भाई तुम अपने वाले हो ऐसा वैसा जाने, अपने मदद के हिसाब से गए थे अपन की मदद कर, मदद भी आई कि, तो उन्होंने दूसरा हॉस्पिटल के सलाह दी हमारे को, यहाँ रखेंगे आप, चीज़ बोलो थोड़ा गरीब इंसान हो तो मतलब तुम्हारे इंसान जो है बच जाएंगे तुम्हारे, तो और मैं करवा दूंगा मेरी सेटिंग में थोड़ा कम ज़्यादा। और तुरंत उनने पीछे ले आके ये वाले एम्बुलेंस अंदर उतारे, उधर डॉक्टर ने भी इलाज करे यहाँ पे, उन्होंने बोले कि आप जो भी बोलो इलाज तो होगा यहाँ पे एम्बुलेंस में, आप बोलो तो ले जाओ, आपकी मर्जी, आपके पिताजी, आपके रिश्तेदार है जो भी है। तो हमने कहा कि ठीक है हम तो ले आएंगे, हमने सलामत वगैरह करेंगे, हम घबरा गए थे कि क्या करें हम, हमारे इंसान सही हुआ है, पैसा लाएंगे पैसा कुछ भी करेंगे फिर कर जाओ हम। अब क्या हुआ कि हम पीछे हमने चलो हमें ले चलता हूँ मेरे एम्बुलेंस को, हमने ले गए आ के और भर्ती करवा खुद ही ले गए थे उनके एम्बुलेंस में, हाँ उनके खुद के एम्बुलेंस में पीछे ले गए हमको, और वो बोले कि नंबर दे दिया हमको कि आप जो है वहाँ पहुँचना और फ़ोन लगाना, वो आ भी गए और बोले 10,000 रुपये दे डाना काम करके। तो हमने लगे कि सर 10,000 रुपये तो नहीं है हमारे पास, थोड़ा बहुत कम बोले 8 दे दो, उनके 5 हैं अभी तो फिलहाल, 5 दे दिए उनको हमने। अब 5 देने के बाद हमने अंदर रह गए पापा को इलाज वगैरह चालू कर, तो बस चालू करते के साथ ही 3,000, 2,000, 2,500, 5,000 ऐसी दवा को लिए आना चालू हुई। 11 बजे से लेके सिर्फ 3 बजे इलाज हुआ, मतलब रात के 11 बजे, हाँ रात सुबह के 3 बजे तक इलाज हुआ, तकरीबन 21-22 हज़ार के लगभग मेडिसिन है और 5,000 हमें जमा करें हमने। उसके बाद 3 बजे हमने हमको आना जाना बंद कर दिया, हमने बोले थे मेरे मित्र नर्स है तो इनके नर्स है ये रहेगी अंदर, तो भाई इनका सपोर्ट वगैरह था इनका सबका, तो बोले कि नहीं ये गरीब इंसान है इनको आने जाने दो, जाते आते थे हम भाई हमारे देखने के लिए। उसके बाद फिर सुबह 3 बजे सबको नया बजाना बंद कर दिया, हम बैठे रहे सुबह, फिर डॉक्टर एक आ रहे हैं दो आ रहे हैं, ऐसा करते करते 10 बज गई, 9 बज गई, 11 बज गई, वो मेडिसिन चल रही है 1,000, 2,000 सब मिला के। सर जब तक भी ये नहीं बोला था कि मतलब अभी तक जिंदगी है और इलाज चल रहा है, यही बताया था बस, यही बताया गया अभी सभी को पीला अंदर का इलाज कर रहे हैं यहाँ का, पहले ये सही नहीं बताया कि उनको हुआ क्या है, जब तक आपको कुछ भी कंफर्म नहीं करा था भाई, ये बोले कि कहाँ चोट लगी पता नहीं लग रहा है, कहाँ सिर में लगी है दिख रहा है, सिर में सब्जी लगी है कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लगी है। तो ऐसा करते करते मतलब 11 बज गई, 12 बज गई, 12 बजे डॉक्टर एक आते हैं दूसरे वाले, जब धीरे धीरे हो जाएगा इलाज ये वो, फिर दूसरे डॉक्टर को लाते हैं वाले डॉक्टर, नाम तो नहीं मुझे पता, चिंगने से थोड़े से बाल कम उनके, तो वो उन्हें बोले कि मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ, तो आपके इनके पिताजी को दिमाग में लगी है, तो इनको जो है सिटी स्कैन करवाना है, क्या बोलते हैं सिटी स्कैन, हाँ करवाना है। अब सिटी स्कैन करवाना है तो बोले इसके लिए तो अपने हॉस्पिटल सुविधा है, तो आपको क्या करना है इनको ले आना पड़ेगा, तो ले नहीं सकते क्योंकि सब मशीनें लगी हैं और एक्सीजन जरा भी छोड़े अपन ने हटाए कोई मशीन तो ये खत्म हो जाए, इतने सीरियस है तो कम से कम 48 घंटे रुको, 2 दिन रुको, समझा अब तो गरीब इंसान है 48 घंटे, अब 20,000 की तो आप मेडिसिन लगा दी, 5,000 और मांग रहे आप, 5,000 दोबारा और मांगे उन्हें 5,000, उनके आप बाद में देंगे। ऐसा करते करते फिर वो आखिरी में आए कितने बजे आपको बताऊँ, 1 घंटे बाद फिर आए, बोले 1-2 घंटे और देख लो आपको लगे तो करवाना इलाज, 2-3 दिन तो रखना ही पड़ेगा, 3 बजे का टाइम देते हैं, 2-3 दिन रखना पड़ेगा, जब नॉर्मल होगा उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करेंगे, आगे का मतलब मामला जो है हम इलाज करेंगे। जब तक आपको ये बताया नहीं गया था कि प्रॉब्लम मेन है क्या, ये हमको ही समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर बोले हमको समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, और सिटी स्कैन होगा जब, और सिटी स्कैन जब होगा जब ये मशीन हट के इंसान दूसरे अस्पताल में जाए, वहाँ वहाँ सुविधा यहाँ है नहीं, और हटाएंगे तो खत्म हो सकते हैं सारी बातें थी। अब फिर उन्होंने बोले कि या तो फिर एक काम करो 3 बजे तक देखो, और नहीं तो फिर आपकी जैसी इच्छा है, वो तो समझ लेना कोई मामला नहीं है। फिर वो जो दिमाग के डॉक्टर थे, फिर उसके बाद आधा घंटे बाद वो जो मेन डॉक्टर थे उनका नाम तो नहीं पता, बड़े से लंबे लंबे थे नाम तो नहीं पता, गुप्ता करके शायद वो वाले आए, और उन्होंने बोले कि कोई मतलब ही नहीं, तुम गरीब इंसान हो पैसा लगेगा,
उसके बाद देख लो, और एक देख 3 बजे तक उसके बाद जो ले जाना। अब आखिर 3 बज गई, 4 बज गई। अब 4 बजे हमने बोले कि सर आप तो ऐसा करो, जो भी हुआ ठीक है, अब तो वो पैसा है भी नहीं। उन्होंने फिर हमको 34,000 का बिल थमा दिया, फिर 34,000 रुपये का जो बिल है ये भर दो। वो जो मेडिसिन आपके बच्चे पूछे 2-3 हज़ार रुपये हैं वो उसमें, हाँ उधर मतलब मेडिकल पे भी हम मतलब बाकी थे पैसे, तो हमने 1500 की खोली दवा कम करवा दिए। अब 1500 रुपये बचे हमने दे दिए हाथ से उधर। अब इधर बोले कि 34,000। फिर हमने दूसरे को फ़ोन करे, भाई तो हम तो गरीब इंसान है, हमको तो परेशान कर दिया उन्होंने, ये वो सब करके। फिर उन्होंने आखिर में ये लिखे कि तुम्हारे रिपोर्ट में हम ये लिखते हैं कि तुम अपनी मर्जी से ले आ रहे हो दूसरे रास्ते। क्योंकि आपकी साइन वाइन भी करें, हाँ साइन वगैरह सब करें, वो बाका है साइन वगैरह करें कि आप दूसरा अपनी मर्जी से आप में से आप पढ़े लिखे हो। हाँ जी मैं पढ़े, तो वो मतलब वो साइन करें सब करें। उसमें क्या लिखा था आपको पता था? उन्होंने क्या लिखा उसमें? इंग्लिश में था, इतने नहीं आप पढ़ सकते हैं अभी से, मगर उसका मतलब क्या है? मैंने उनसे पूछा था कि उसमें क्या लिखा है, किस हाँ, साइन करा रहे हो? मैंने कहा क्या चीज़ है, तो बोले आप ये तुम्हारा दूसरा अस्पताल जाओगे ना तो उसके लिए करवा रहे। तो मैंने कहा आप पहले चेक करो, कभी मृत्यु हो गई है मतलब खत्म हो गए पिताजी, तो भाई डिस्चार्ज करो, ऐसा लिखो कि यार ये खत्म हो गए। बोले आप तो आप मर्जी से ले आ रहे हो ये वो। फिर वो ज़्यादा से बात करते चले जाते। फिर हमने आखिर को नहीं माने, हमने नहीं माने, तो हमने कहा हम तो जाएंगे। तो लगे तो 5:30 के लगभग मैं भी बात कर रहा हूँ, जो 5:00 बजे के लगभग अपने भाई वगैरह ने बोले कि काम करो, अपन तो एक काम करते हैं। वो तो बोल ही रहे डॉक्टर की मशीन हटाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, हटवा दो ऊपर वाले के हाथ में जो भी मशीन हटवाए, उसके बाद नीचे लाए हमने वो मतलब वो गाड़ी कर लिए तूफान वगैरह गाड़ी। जब पहले वो बोल रहे थे वहीं से कि गाड़ी एम्बुलेंस में लेके जाना पड़ेगा। हाँ एम्बुलेंस जाना पड़ेगा आपको, दूसरे उसमें ऑक्सीजन भी लगाना पड़ेगा, खर्चा कितना बता लिया घर ले आए हमारी इच्छा आपने बता दिया। हाँ खर्चा आएगा बोले अलग से। तो फिर उसके बाद हमने नीचे लाए उनको, और फिर हमने और हाथ लगाया उसको चालू, तो सांस चल रही है धड़कन चल रही, तो हमने बोले कि आए तो चालू है। फिर दोबारा उन्होंने लेके फिर ऊपर ले गए वापस उसी अस्पताल में, वापस ले गए और पूरे लगाए। उन्हें बता दिया था कि मतलब पहले छोड़ दिया था, उन्हें छुट्टी कर दी, छुट्टी कर दी थी, जाओ सब होगा टोटल जी। फिर वो आखिर में जो जब हमने दौड़ भाग करे, भाई ने हमारी मदद करे, जिला सुझा भी मंत्री के पास जो भी है सब करने के बाद, उन्होंने फिर हम पैसा 8,000 रुपये करे, नहीं तो 25 रुपये भी कम कर देते थे, 34,000 रुपये लगे हुए, 5,000 रुपये आपके खुद गए। मैं यहाँ पे एक्चुअल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ और मेडिकल डायरेक्टर हूँ, तो जो ड्यूटी रोस्टर का काम होता है तो वो मैं देखता हूँ, तो मैं यहीं पे था। क्या हुआ था उस पेशेंट को? हेड इंजरी थी, सिर पे चोट लगी थी गहरी, जिससे कि वो कोमा में था। सबसे पहले हेड इंजरी होती है मेरे हिसाब से शायद MRI करानी होती है। हाँ तो न्यूरो सर्जन उसको देख रहे थे, डॉक्टर अभिषेक सोनगरा सर, और उन्हीं के अंडर में वो था। लेकिन आप लोगों ने MRI भी नहीं कराई उसकी, सबसे फर्स्ट काम होता है MRI आप कराते, सब चीज़ें सामने आती। आपने उस बंदे की ना MRI कराई ना कुछ करे। देखो MRI वगैरह ये सब स्पेशलिस्ट एडवाइस करता है, तो इस संबंध में डॉक्टर अभिषेक सुंदरा से आपको बात करनी होगी कि उसकी MRI एडवाइस की गई नहीं की गई या क्या हुआ। उस बंदे को शाम को आपने मृत घोषित करके 4 बजे उसको बाहर छोड़ दिया था, उसके बाद वापस आप वेंटिलेटर पर लेके, जब उन लोगों ने देखा अंदर की उसे सांस चल रही है, आप उसको फिर हॉस्पिटल में लाया, फिर वापस वेंटिलेटर। तो डॉक्टर अभिषेक सुंदरा उसके कंसल्टेंट इंचार्ज थे, इसकी जानकारी वही दे पाएंगे आपको कि उसको मृत घोषित किया गया या कुछ और घोषित किया गया, कोमा में घोषित किया गया, जो भी घोषित किया गया डॉक्टर अभिषेक सुंदरा उसके जवाब दे पाएंगे। तो वो दे पाएंगे। तो जब रिटर्न में जब उसको लेके आए थे उसको यहाँ आपने वेंटिलेटर पर रखा, जब कौन था डॉक्टर? मतलब कंसल्टेंट इंचार्ज तो डॉक्टर अभिषेक सुंदरा ही थे, बाकी जो हमारे ड्यूटी डॉक्टर दो संतोष थे। तो एक्चुअल में होता क्या है, ब्रेन में जब भी इंजरी होती है, ये इन जनरल में आपको बता रहा हूँ, तो ब्रेन डेथ हो जाती है, लेकिन फेफड़े और जो हार्ट होता है वो काम करते रहते हैं। वो हो सकता है काफ़ी समय, लंबे समय तक भी काम करें, हो सकता है 2 घंटे में मृत हो जाए व्यक्ति। तो जो अटेंडर थे वो अफोर्डेबल नहीं थे, बोले हमारे पास पेमेंट नहीं, हम ले जाना चाहते हैं, और उन्होंने ही पूरा लिख के दिया हमको कि हम घर ले जाना चाहते हैं, तो हमने उनको घर भेज दिया। तो फिर अचानक से वो बोले कि सर अभी तो ये ब्रेन और ये सब वर्क कर रहे हैं, तो हमने कहा कि मतलब हार्ट और लंग्स वगैरह, तो हमने बोला ठीक है आप चाहे तो रख सकते हैं उसको, लेकिन उनके पास पेमेंट नहीं था, तो वो एम्बुलेंस उनके पास पैसा नहीं था। आपने रात में जब उन्हें 25,000 की दवाइयाँ लिख दी, तो भी उन्होंने वो 25,000 की दवाइयाँ ला के आपको दिए, ऐसे कि उस टाइम तक तो कोई दिक्कत नहीं आती आकर मुझे, शायद उनके पास पेमेंट सुबह तक खत्म हो गया होगा, आगे फर्दर पेमेंट शायद उनके पास नहीं होगा, इसलिए फिर वो एम्बुलेंस। रेफर सर उन्होंने थोड़ी नहीं कर रहा था, उसमें लिखा हुआ ही नहीं, वो पहली बात तो वो पढ़े लिखे नहीं है, चारों बच्चे चारों उनके जो लड़के हैं, मैं चारों के नाम तो मैं इतना ठेला लगाता है, मेरी उनसे भी बात हुई,
वो चारों पढ़े लिखे नहीं, आपने जो भी लेटर साइन करवाया वो उनसे इंग्लिश में करवाया? इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लेटर साइन करवाते हैं, और जो हमारी समझाने की लैंग्वेज होती है वो भी हिंदी होती है, और उनको सब समझ में आ गया था सारी चीजें, और उन्होंने ले जाने का बोला और वो खुद लेके गए। और आपके यहाँ से जो एम्बुलेंस जो यहाँ लेके आती है, क्या उनका हमेशा का ये होता है कि वहाँ से जो बंदा बेला फुसला के लाया था जो भी था सद्दाम करके? देखो ये बेला फुसला के लाया है वो या कैसे लाया वो तो उसकी जानकारी तो एम्बुलेंस वाले ही दे पाएगा, हमको तो एम्बुलेंस वाला रिलेटिव बोल के लाया था कि मेरे रिलेटिव है और आप इनको आप यहाँ से एम्बुलेंस वालों को भी कुछ पैसे देते हैं अगर वो पार्किंग स्टेशन यहाँ लेके आते? नहीं नहीं ऐसा कोई यहाँ पे हम एम्बुलेंस वालों को पेमेंट वगैरह नहीं देते।